एमपी में कमलनाथ सरकार के लिए खतरे की घंटी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सड़क पर उतरने वाले बयान पर बवाल मचा है। एमपी सरकार के मंत्री अब दो धड़ों में बंट गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री को अब कमलनाथ के मंत्रियों और कांग्रेस नेताओं का समर्थन मिल रहा है। एक तरफ कमलनाथ ने साफ कर दिया कि जिसको सड़क पर उतरना है तो उतर जाए, तो वहीं दूसरी तरफ महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कमलनाथ सरकार को चिताया कि जरूरत पड़ी तो पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाएंगे। महाराज अकेले नहीं हैं, पूरा कांग्रेस उनके साथ है। उधर मंत्री इमरती देवी के बाद अब सूबे के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सड़क पर उतरने वाले बयान की पैरवी की। मंत्री ने सिंधिया के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि वचन पत्र के वादे पूरे नहीं हुए तो उनके साथ पूरी कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। उन्होंने कहा कि सिंधिया ने सरकार को जनता से किए वादे पूरे करने के लिए आगाह किया है। इससे पहले एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी सिंधिया का समर्थन करते हुए कहा था कि वादा पूरा नहीं हुआ तो कांग्रेस सड़क पर उतरेगी। सिंधिया के सड़क पर उतरने वाले बयान पर कमलनाथ गुट के सहकारिता मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा था कि जनता ने हमें कुर्सी पर बैठाया है, सड़क पर उतरने का काम बीजेपी का है। कांग्रेस में आपसी मतभेद के बाद बीजेपी ने कमलनाथ सरकार पर हमला बोला। बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, गुटबाजी हावी है, लेकिन अगर कांग्रेस में ऐसी ही गुटबाजी चलती रही तो कमलनाथ के लिए कुर्सी बचाना मुश्किल होगा।